हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चंस देखिए, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से अटेंड कीजिएगा, डिटेल में कंसेप्ट कवर करेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। राहुल परचेज्ड द जीन्स एट रुपीज 1200 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। राहुल ने एक जीन्स खरीदी, दुकानदार को कितने रुपए दिए? 1200। डिस्काउंट कितना मिला उसको? 20%। बताओ मार्क्ड प्राइस क्या है? मार्क्ड प्राइस समझते हो क्या होता है? जब भी आप कोई भी शॉपिंग करते हो तो उसके ऊपर ना प्राइस, एक स्टिकर लगा होता है, प्राइस टैग, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। जीन्स के ऊपर एक स्टिकर देख लेते हैं हम कितने का है, फिर पूछते हैं भैया डिस्काउंट कितना है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, वो समझते हैं कि 20% डिस्काउंट 1200 पर मिला है, जबकि गलत हो जाता है। अरे 1200 तो पे किया है, डिस्काउंट मिल चुका। कितना? 20% डिस्काउंट मिल चुका। डिस्काउंट मिलने के बाद 1200 पे किया है, दैट मीन्स जो मार्क्ड प्राइस है, स्टिकर के ऊपर जो प्राइस लगा है, जिसको मैं इस भाषा में बोलूं, तो वो ऑब्वियसली 1200 से ज़्यादा होगा। पहले तो इतनी अंडरस्टैंडिंग समझ आनी चाहिए कि मार्क्ड प्राइस ज़्यादा होगा, कुछ डिस्काउंट करने के बाद हमें 1200 पे करना पड़ा, तभी डिस्काउंट का कुछ मतलब बनता है। तो वो ऊपर वाला प्राइस निकालना है, मार्क्ड प्राइस क्या है। चलो अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन, अलजेब्रा यूज करके मार्क प्राइस को एक्स मान लो कर सकते हैं, ठीक है, मैं वैसे भी करवाऊंगा। दूसरा तरीका है बिना अलजेब्रा यूज किए, बिना एक्स सपोज किए, यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड आने चाहिए, इसलिए दोनों मेथड सीखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम मान लेते हैं कि जी ये जो मार्क प्राइस है ना, ये एक्स है। एक्स मतलब अननोन है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन इतना तो पता है ना कि जो मेरा मार्क्ड प्राइस है हम उसको 100% प्राइस मान लेंगे। ये याद रखना, एक वर्ड जो मैंने अभी बोला ना कि जो स्टिकर के ऊपर प्राइस लगा है, जिसको हम मार्क्ड प्राइस बोल रहे हैं, वो है 100% प्राइस, मतलब पूरा पूरा प्राइस तो वो है। फिर दुकानदार ने कहा कि जी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 20% डिस्काउंट मिलने का मतलब आपको कितने परसेंट पे करना पड़ेगा? 80% पे करना पड़ेगा, याद रहेगा ना। टोटल प्राइस 100% है, जो ओरिजिनल अमाउंट है, उसमें से आपको 20% डिस्काउंट मिल गया, यानी 20 कम कर दीजिए तो बाकी 80 बचा ना, तो मतलब आपको 80% पे करना है। तो ठीक है, फिर मैंने 80% पे कर दिया। कितना पे किया? 1200 पे किया। बात समझ रहे हो? जो 80% मैंने पे किया वो कितना है? 1200 है। अब सवाल उठता है कि 80% किसका? यहाँ पे गलती नहीं करनी, 80% हो जो भी हो, वो हमेशा किसका होता है? मार्क प्राइस। आपने जो ओरिजिनल प्राइस था उसी का ही 80% तो पे किया है, यानी कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो 80% ऑफ एक्स, ऑफ एक्स मतलब 80% ऑफ ओरिजिनल प्राइस मेरे को 1200 गिवन है। ये बात है, एक्स निकालना, छोटी सी कैलकुलेशन है करके आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो तभी हो पाता है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, बड़े प्यार से देखिएगा। अब 80% मतलब परसेंट का साइन हटाइए, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, देन एक्स इज इक्वल टू 1200। यहां देखिए एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए। इसके बाद करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x किसके इक्वल आएगा बेटा? ये नीचे 10 बचा है ना, ये 10 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1200 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पर 8 है, ये दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये सिंपल सी सिचुएशन है हमारे पास। अब देखते हैं कैलकुलेट करके क्या बनता है। पहले हम 4 के टेबल पे काट देते हैं, 4 2 8, यहाँ 4 के टेबल पे काटेंगे तो 300। अभी भी 2 से कटता है, 2 से काट दीजिए 150। तो 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, एक्स की वैल्यू 1500 आ गई ना। इसका मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था 1500 था,
हमें 20% डिस्काउंट मिला और 1200 में जींस मिल गई हमें। तरीका समझ आया? दैट मींस अगर मुझे 20% डिस्काउंट मिला तो मैंने कितना पे किया? 80%। ये याद रखना है, जो मैंने पे किया 80% ऑफ एक्स, उसको 1200 के इक्वल लिख दिया। ये है मेथड वन। एक मेथड को अच्छे से देख लीजिए, एक मेथड और करते हैं इसी क्वेश्चन को करने का, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को हर एंगल से टच कर लेंगे तो ज़्यादा इजी लगेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रह जाती है। अब आप दूसरा मेथड देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि जो मार्केट प्राइस है उसको आपने क्या मानना है? 100%। ठीक है, 20% डिस्काउंट मिला, 80% पे किया, कंसेप्ट वही है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज लिख के दिखाऊं कि जो 80% अमाउंट है वो कितनी है? 1200। एक बार इतना देखिए, यही है ना, 80% अमाउंट कितनी है? 1200 है। यूनिटरी मेथड क्या होता है? शायद सबको पता होगा यूनिटरी मेथड क्या होता है। जैसे आपको 5 पेंसिल्स का प्राइस पता है, 6 का पूछा है, तो उसमें क्या करते हैं, 5 का तो पता है, पहले 1 का निकाल लो, तभी यूनिटरी बोलते हैं ना, यूनिट आता ही 1 से। 5 पेंसिल्स का प्राइस पता है, 1 का निकाल लो, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो। अगर किसी को नहीं पता तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, ऐसा अलग से वीडियो बना रखे हैं हमने। तो यहां पर क्या है, जब 80% का प्राइस पता है तो 1% कितना होगा? 1% corresponds to 1200 divided by 80। जब आपको 80 का प्राइस पता है तो 1 का निकालना है, तो डिवाइड करके निकलता है, डिवाइड कर दिया। अब तो 1 का पता चल गया ना, आप निकालना चाहते हो ओरिजिनल प्राइस, मार्क्ड प्राइस, जो कि 100% था। ठीक है, 1% इतना है तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो ऊपर 1 का आंसर आया है उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1500 आएगा, वही फाइनल स्टेप बन जाता है। यहाँ पर मेथड दोनों ठीक है। ये वाला मेथड यूजली जब आप MCQs कर रहे हैं वहां पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये माइंड में हो जाता है 80 की वैल्यू इतनी, 1 की इतनी, तो 100 की कितनी होगी। 100 मतलब 100%, 100% मतलब ओरिजिनल वैल्यू, मार्क प्राइस जिसकी हम बात कर रहे थे। आपको जो मेथड ठीक लगे आप वही मेथड यूज कर सकते हैं। अभी आप सेकंड क्वेश्चन देखो, ध्यान से पहले स्टेटमेंट रीड कीजिए, थोड़ा सा अलग है, स्पेशली हमने सिलेक्ट किया ताकि दोनों टाइप्स कवर हो जाएं। सोहन हैज पेड अ बिल ऑफ ₹1725 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 15%। अब आप देखिए, सोहन ने एक बिल पे किया काउंटर पे जाके, कितना बिल पे किया? ₹1725। इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, कितना टैक्स लगा हुआ है? 15%। आपको पता है ना, काउंटर पर जब पेमेंट जमा करवाते हैं तो टैक्स लगता है, यानी कि कोई चीज अगर 100 की खरीदी है तो 100 से ज्यादा पैसा देना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना टैक्स है। यहां पर हमें यह बोला गया है कि 15% टैक्स है, ठीक है, लेकिन वो टैक्स ऑलरेडी एडेड है। बताओ एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या था? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस मतलब जितने की चीज का प्राइस था, ये एक्स्ट्रा है। तो जो मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस था ना, वो मेरा 100% है, बस ये नोट कर लीजिए। जैसे वहां मार्क प्राइस 100% था, वैसे ये 100% है, क्योंकि देके तो ज्यादा आए हैं ना। कितना ज्यादा दिया? टैक्स कितना है? 15%। यानी कि आपने 115% पे कर दिया, जब डिस्काउंट था 100 से माइनस कर दिया। अब टैक्स है वो तो एक्स्ट्रा पे किया ना, अब एक्स्ट्रा पे किया तो 100% से ज़्यादा दे दिया हमने। अगर 100% से ज़्यादा दे दिया है तो कितना ज़्यादा दिया? 15%। दैट मीन्स ये जो 100% है जिसको मैं एक्स मान सकता हूँ, दोनों मेथड से करेंगे, यानी कि मैंने पे किया इस बार सेकेंड क्वेश्चन में 115% पे कर दिया, 100 तो करना ही था, 15% टैक्स दे दिया। अब ये 115% किसका है? एक्चुअल प्राइस का, और ये करके मैंने बना कितना था? 1725। इसको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, 115 ओवर 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1725।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एक्स की वैल्यू आएगी 1725 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 115। ये वाला जो डिनोमिनेटर में 100 है दूसरी तरफ ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 115 जो है ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। कुछ समझ ना आए तो 5 का टेबल तो जिंदाबाद, दोनों के पीछे 5 आ रहा है 5 से काट दीजिए, देखते हैं क्या बनता है। 5 2s are 10, 5 3s are 15 और इधर भी देख लेते हैं 5 3s are 15 और 22 बचा तो 5 4s are 20 फिर 5 5s 3 4 5 बन गया जी हमारे पास। अब 23 क्या इसके साथ कटता है वो भी हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा। ट्राई करके देख लेते हैं जी, 23 को कटिंग करेंगे तो जी क्या बनेगा, 23 1s are 23 हमारे पास कितना बच गया जी, हमारे पास बचा 11, पीछे 5 है तो 115। अब हाँ 23 के टेबल में 5s are 115 होता है, 15 multiply 100, चलिए जी इसका आंसर भी 1500, यानी कि 1500 की चीज थी 1725 रुपए दिए हमने। क्यों दिए, ऊपर वाला टैक्स था, देना जरूरी था। कंसेप्ट समझ आया, आंसर एक्स का ही निकालना था। अभी इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखो कि मैंने वेरिएबल नहीं सपोज करना, नहीं करना तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस को 100% मान लो। अब देखो एक्चुअल सेलिंग प्राइस मेरी 100% है, मैंने कितना पे किया, मैंने तो 115% पे किया ना, और 115% कितना बना था 1725, तो 1% कितना होगा, ये होगा 1725 डिवाइडेड बाय 115। अरे भाई मुझे तो 100% निकालना है, अगर मुझे 100% निकालना है तो ठीक है, 1 का प्राइस पता है तो फिर 100 का क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है, सेम कैलकुलेशन है, ₹1500 आंसर होगा। तो आई होप ये जो दो कंसेप्ट हमने किए ये 100% इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, चाहे ये स्कूल लेवल में 7th के स्टूडेंट्स हैं, 8th के स्टूडेंट्स हैं, 9th के स्टूडेंट्स हैं, ओलंपियाड्स में, हर जगह पे ये काम आते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।